हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ योर लेसन टू द नेम ऑफ द लेसन इज द साउंड ऑफ म्यूजिक आपका ये लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन टू प्रो सेक्शन है प्रो सेक्शन के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आज समझेंगे इस वीडियो में आपको पता है कि द साउंड ऑफ म्यूजिक के दो पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी का जो कि साउंड म्यूजिक के ऊपर है दूसरा बिस्मिल्ला खान की सहनाई के ऊपर है तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन आंसर हैं हम दोनों को पार्ट वाइज इनके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे लेट्स स्टार्ट पार्ट फर्स्ट को लेते हैं एवलिन ग्लेनी जिसकी स्टोरी आपका वीडियो आपने देख लिया होगा लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट बिना सुने साउंड को महसूस करती थी अपने सेंसेस के द्वारा बॉडी पार्ट के द्वारा वो महसूस करती थी म्यूजिक को बहुत फेमस वो बनी बाद में म्यूजिशियन तो इनके जो इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें पार्ट ए की क्वेश्चन हैं पार्ट आपके बुक में पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने ए बी सी लिख दिया है तो पार्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं उनका पहले इंस्ट्रक्शंस क्या है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको कुछ शब्दों में या एक दो सेंटेंसेस में इनके उत्तर प्रत्येक का हमको देना है ये इंस्ट्रक्शन तो है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज एवलिन वैन सी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जब वो एवलिन ग्लेनी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक को गई तब वो कितने साल की थी उनकी उम्र क्या थी ये क्वेश्चन है तो आंसर देखें एवलिन वाज ओनली सेवनटीन ईयर्स ओल्ड वैन सी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एवलिन सत्रह साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक में गईं सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वाज एवलिनस डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड एवलिन ग्लेनी की जो जो बहरापन था कि उनको सुनाई नहीं देता डीफनेस वो कब पहली बार नोटिस किया गया व्हेन वाज इट कंफर्म्ड और फिर उसके बाद ये कंफर्म कब हो गया पक्का कब हो गया कि वास्तव में ये बहरी हैं सुनाई नहीं देता तो दो क्वेश्चन इसमें आंसर देखें एवलीस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय मदर व्हेन इयर्स ओल्ड। तो एवलिन का जो बहरापन है पहली बार उसकी माँ ने नोटिस किया जब वो आठ साल की थी फिर कब कंफर्म हुआ बाय द टाइम वाज इलेवन इट वाज कंफर्म। ग्यारह साल की उम्र होने तक ये कंफर्म हो गया था कि वो बहरी हैं। अब पार्ट बी में आते हैं ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं इनका इंस्ट्रक्शन आप बुक में भी देख सकते हैं हम वीडियो में लिख रहे हैं आंसर ऑफ इन अ शॉर्ट पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ में इन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं पार्ट बी के थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स तीस से चालीस शब्दों में तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हु हर यानी एवलिन है हमने ब्रैकेट में लिख दिया है आपकी बुक में नहीं लिखा है क्योंकि पेपर में नाम आएगा इस तरीके से हर नहीं आएगा तो हुल्प्ड हर यानी एवलिन एवलिन की मदद किसने की टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक संगीत को जारी रखने में कि वो म्यूजिक का इंटरेस्ट जो था वो उनका बना रहे कंटिन्यू चले इसमें किसने मदद की उनकी वर्ड डिड ही डू एंड से उस आदमी ने क्या किया और क्या कहा ये क्वेश्चन है तो आंसर है जब आपने लेसन देखा होगा पढ़ा होगा वीडियो देखा होगा तो एक व्यक्ति आए हैं रॉन फॉर्ब्स ठीक है तो रॉन फॉर्ब्स जो है जो कि हैं प्रक माने ऐसा व्यक्ति जो ढोल बजाता है ढोल जैसे और भी वाद्य यंत्र जो होते हैं उनको बजाता है तबला वगैरह वो प्रकशनिस्ट होता है तो रॉन फोर्प जो थे वो प्रकशनिस्ट थे हेल्पड एवलिन उन्होंने एवलिन की मदद की टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक म्यूजिक को कंटिन्यू रखने में ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स उन्होंने दो ड्रम बजाना शुरू किए डिफरेंट नोट्स भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकाल करके दो ड्रम बजाना शुरू किए ही टोल्ड एवलिन और बजाते हुए फिर उन्होंने एवलिन को कहा नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स कि वो अपने कानों से सुनने का प्रयास न करे एवलिन बट टू ट्राई बल्कि प्रयास करे एंड सेंस और महसूस करे द साउंड थ्रू सम अदर वे दूसरे अन्य तरीकों से उस साउंड को वो सुनने का तरीका ढूंढे खुद ही मन में खुद अपने तरीके से वो सीखे कानों से सुनने का प्रयास न करे ऐसा रोन ने एवलिन को कहा ताकि तो इसमें दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं क्वेश्चन टू देखें पार्ट बी का नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स उन स्थानों के नाम बताओ अलग अलग स्थानों के जहां पर और उनके कारण जो कि एवलिन जहां करती थी काम संगीत का काम करती थी ऐसी जगहों के नाम बताओ तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स कंसर्ट्स क्या होते हैं जो प्रोग्राम संगीत के प्रोग्राम होते हैं वो उसको कंसर्ट बोलते हैं बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं गायक म्यूजिशियन अपनी प्रेजेंटेशन देता है तो रेगुलर कंसर्ट तो वो करती थी नियमित रूप से रोज का उनका काम था ये तो उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन गिव्ज फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजेंट्स एंड हॉस्पिटल्स एवलिन जो है अपने कंसर्ट फ्री कंसर्ट यानी बिना पैसे की कंसर्ट करती थी कहाँ पर प्रिजेंट्स जेलों में और हॉस्पिटल्स में तो ये जगह हो गई शी गिव्ज हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस वो एवलिन जो यंग म्यूजिशियंस होते थे जवान यानि नए लड़के लड़की जो संगीत सीखना चाहते थे संगीत में इंटरेस्ट रखते थे जवान लोग उन पर उनको वो हाई प्रायोरिटी देती थी उच्च प्राथमिकता देती थी इज एन इंस्परेशन टू डीफ चिल्ड्रन और वो बहरे बच्चों के लिए प्रेरणा है वो एवलिन आज भी पार्ट सी का क्वेश्चन देखें, एक ही क्वेश्चन है बड़ा है आप इसका इंस्ट्रक्शन बुक में भी देख सकते हैं इसका आंसर बड़े शब्दों में देना होता है इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमें शब्द सीमा तो माननी पड़ेगी क्योंकि उसी के नंबर के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर में ज़्यादा नंबर का आएगा बड़ा क्वेश्चन होगा ज़्यादा नंबर का आएगा छोटा होगा कम नंबर का आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको याद रखना है याद करना भी है तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन क्या है आंसर द क्वेश्चन इन टू और थ्री पैराग्राफ्स यानी इस प्रश्न का उत्तर हमको दो या तीन पैराग्राफ में देना है और शब्द सीमा कितनी है वर्ड लिमिट कितनी है हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स तक ठीक है तो क्वेश्चन देखें हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक एवलिन संगीत को कैसे सुनती सुनती है ठीक है ना तो आपने लेसन देखा वो किस प्रकार से अलग अलग सेंस के द्वारा म्यूजिक को सुनती है क्योंकि वो तो बहरी थी कान से सुनाई नहीं देता था बॉडी पार्ट के द्वारा फील करती थी कैसे करती थी तो ये क्वेश्चन है हाउ डज एवलिन हीर म्यूजिक एवलिन संगीत को कैसे सुनती थी आंसर देखें एवलिन हियर्स म्यूजिक नॉट थ्रू हर ईयर्स एवलिन अपने कानों के द्वारा म्यूजिक नहीं सुनती हैं बट शी हियर्स इट्स सम अदर वेज बल्कि वो अन्य तरीकों से इसको सुनती हैं शी फील्स द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्टअप वो जो बड़े ड्रम होते हैं उनको वो कमर के ऊपर के हिस्से से महसूस करती हैं एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और जो छोटे ड्रम हैं उनको वो कमर के नीचे के हिस्सों से फील करती हैं शी सेंसेज सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और इसके अलावा शरीर के भिन्न भिन्न भागों के द्वारा भी वो कुछ निश्चित ध्वनियों को सुनती हैं जैसे एबलिन सेज एबलिन कहती हैं दैट द म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी की जो म्यूजिक है वो उनके शरीर के शरीर में पोर्स यानि प्रवेश करता है उनके हर बॉडी पार्ट के द्वारा उनके शरीर में ये म्यूजिक प्रवेश करता है इट टिंगल्स इन द स्किन हर चीक बोन्स एंड ईवेन इन हर हेयर टिंगल माना होता है सरसरी ला देना सर सराहट ला देना बदन में तो ये उनकी त्वचा में सर सराहट लाता है म्यूजिक हर चीक बोंस उनके गालों की जो हड्डियाँ हैं चीक बोंस उनमें सर सराहट लाता है एंड ईवेन इन हर हेयर और उनके बालों में भी ये सर सराहट लाता है तो इस प्रकार से वो बताती हैं कि कैसे उनके अलग अलग बॉडी पार्ट से संगीत उनके अंदर प्रवेश करता है तो वो कहती हैं मेरी त्वचा मेरे गालों की हड्डियों और बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है समटाइम्स शी प्लेज द जाइलोफोन कभी कभी वो जाइलोफोन जब वो बजाती हैं, जब जाइलोफोन तो क्या होता है she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. fingertips माने जो उंगलियों के ऊपर हिस्सा जो होता है पोर जिनको बोलते हैं हम पोर उंगलियों के पोर तो वहाँ वो कैसे आता है उनकी उंगलियों के पोरों तक म्यूजिक वो जो बजाती हैं जायलोफोन जायलोफोन का फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो फर्स्ट में हमने इसका प्रोफाइल पिक आपको जब दिया है लेसन का नाम लिखा है तो जायलोफोन इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसमें पतली पतली छड़ियों के द्वारा बजाया जाता है उसको तो जब वो उसको बजाती हैं तो वो ध्वनि ध्वनि जो है छड़ियों जो स्टिक हैं उन छड़ियों में से होकर के स्टिक में से होकर के उनकी उंगलियों के छोरों में प्रवेश करती है ठीक है ना शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स वुडन प्लेटफॉर्म अब वो लकड़ी का जो मेज होता है वुडन प्लेटफॉर्म होता है जहां लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है वहां पर वो नंगे पैर चलती हैं, अपनी चप्पलें शूज उतार देती हैं शी डज सो वो ऐसा करती हैं टू लेट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स तो जिससे कि पैर को वो नंगे पैर रखती हैं फर्श पर ताकि उस पर जो म्यूजिक बजे तो उनके पैरों में से कंपन होते हुए उनकी टांगों में जाए जिससे कि वो उस म्यूजिक को फील करती हैं तो आप देख सकते हैं एवलिन का ये कमाल कितना बेहतर है अब हम पार्ट टू के क्वेश्चन आंसर समझेंगे जो इसका पार्ट टू है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान लेसन टू का तो उसके जो क्वेश्चन हैं उसमें पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं है वोक्यूबलरी टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो अलग चीज़ है अपने को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट थ्री में दिए हैं तो उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो आप देखें आंसर दीज क्वेश्चंस इन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स इन प्रश्नों के उत्तर तीस से चालीस शब्दों में देना है ठीक है पहला जो क्वेश्चन है डिड औरंगजेब द द प्लेइंग ऑफ पुंगी अब आपने जब इसका वीडियो देखा होगा लेसन का तो दो बातें आपको शुरुआत में ही बताई थी उस कहानी की शुरुआत में ये बात आई थी कि जो सम्राट औरंगजेब हैं उन्होंने महल में पुंगी नाम का जो यंत्र था उसको प्रतिबंधित कर दिया था बैन लगा दिया था उस पर बैन माने प्रतिबंध लगाना क्यों क्यों लगा दिया था अब यही क्वेश्चन है वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी पुंगी को बजाने के ऊपर औरंगजेब ने बैन क्यों लगा दिया था प्रतिबंध क्यों लगा दिया था तो आंसर ये है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड इसलिए कर दिया क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी पुंगी की वो शिरल कर्कस टाइप की थी यानी तीखी तीखी थी और अनप्लीजेंट अप्रिय ध्वनि थी अच्छी नहीं लगती थी इसलिए औरंगजेब ने उसको रायदरबार से बंद करा दिया क्वेश्चन टू देखें हाउ इज ए सहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी अब जो सहनाई है वो उस पुंगी से कैसे अलग है ये सेकंड क्वेश्चन बनता है ठीक है ना तो आंसर देखें अनलाइक पुंगी पुंगी से अलग असमान शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम शहनाई भी एक पाइप जैसी होती है जो कि नेचुरल एक प्राकृतिक होलो माने होता है खोखला माने तना एक खोखले जो प्राकृतिक तना खोखला तना होता है किसी का पेड़ वगैरह का तो उसके पाइप से शहनाई बनी होती है और ये शहनाई पुंगी से ंगर एंड ब्रॉडर यह थोड़ी सी लंबी और चौड़ी होती है इट आल्सो हैज सेवन होल्स ऑन इट्स बॉडी और सेहनाई जो होती है इस पर सात छेद भी होते हैं वेन इट इज प्लेड बाई द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सम ऑफ द होल्स आप बिल्कुल इसको बांसुरी की तरह समझ सकते हैं यदिहनाई आपने ना देखी हो तो बांसुरी में जैसे छेद होते हैं ऊपर और वो खोखली होती है उसी तरह से थोड़ा इसका बड़ा रूप सहनाई होती है तो उन छेदों को क्लोजिंग एंड ओपनिंग बंद करके और खोल करके इट प्रोड्यूसेज सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड ये बहुत ही मधुर और मीठा Uh, संगीत निकालती है सहनाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पोंगी ये पुंगी से डिफरेंट होती है यहां ये स्पेलिंग में ए नहीं है थोड़ा सा ये टाइपिंग गलत है आप सुधार लेना ठीक है अब क्वेश्चन थ्री देखते हैं वेयर वाज द सेहनाई प्लेड ट्रेडिशनली हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस अब प्रश्न ये है कि जो सेहनाई है वो पारंपरिक रूप से यानी ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्ला खान ने इसे कैसे बदल दिया हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस कहाँ बजाई जाती थी और कैसे बिस्मिल्ला खान ने इसको बदल दिया यानी क्या परिवर्तन लाया इसके परंपरागत तरीके में तो आंसर देखें द सेहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स वेडिंग्सनाई पारंपरिक रूप से पारंपरिक रूप से मंदिरों में बस्ती थी शादियों में बस्ती थी वेडिंग्स में बस्ती थी बिस्मिल्ला खान चेंज दिस बाय इम्प्रोवाइजिंग एंड क्रिएटिंग दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेहनाई बिस्मिल्ला खान ने इसको आ, मतलब इसमें तुरंत परिवर्तन ला दिया कुछ क्रिएट किए नए नए तरह के राग बनाए उन्होंने निर्मित किए प्रैक्टिस के द्वारा जो कि पहले सेहनाई की जो रेंज होती थी कि कोई मानता ही नहीं था कि सहनाई इतने अच्छे से भी बच सकती है तो ये चीज़ उन्होंने की इसको ही परिवर्तन ला करके आ, उन्हें दिखा दिया सेनाई को बजा करके और उन्हें कंसर्ट भी किए आपने देखा जिस प्रकार से एवलिन कंसर्ट करती है इसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान ने भी कंसर्ट किए यानी जो शादियों में और मंदिरों में बसती थी उसको वहां से बाहर निकाला तो यह काम उन्होंने किया क्वेश्चन फोर है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक बिग ब्रेक ये बिग ब्रेक जो होता है ना ये मतलब बिग ब्रेक क्या होता है एक अच्छा मौका मिलना यानी ऐसा मौका मिलना कि बहुत बड़ा कि जिससे आदमी की किस्मत खुल जाए यानी ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो कब और कैसे बिस्मिल्ला खान को बिग ब्रेक मिला बड़ा मौका अवसर कब मिला तो आंसर है बिस्मिल्ला खान गॉट हिज बिग ब्रेक बिस्मिल्ला खान को अपना बड़ा अवसर मिला विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ तब उनको बड़ा मौका मिला ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो और वो अक्सर सुने जाने वाले सहनाई गायक के रूप में रेडियो पर जल्दी ही फेमस हो गए थे तो यह उनके लिए एक बिग ब्रेक था एक बड़ा मौका था जो बिस्मिल्ला खान को मिला पांचवा क्वेश्चन है डिड प्ले द ऑन पंद्रह अगस्त उन्नीस अगस्त 1947 को बिस्मिल्ला खान ने सहनाई कहां बजाई वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक वो जो सीन था वो ऐतिहासिक कैसे बना ठीक है तो आंसर देखें ऑन फिफ्टींथ अगस्त 1947 बिस्मिल्ला खान प्लेड द सेनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट तो कहाँ बजाई पंद्रह अगस्त उन्नीस को बिस्मिल्ला खान ने सेनाई लाल किले से बजाई ठीक है पंद्रह अगस्त का दिन था जब हमारा देश आजाद हुआ तो फर्स्ट डे को उन्होंने बजाई ही वॉज द फर्स्ट इंडियन वो पहले भारतीय थे टू ग्रीट द नेशन जिन्होंने कि राष्ट्र को राष्ट्र का स्वागत किया अभिनंदन किया उसको ग्रीट किया एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिज फेलो सिटीजन्स ऑन दिस ऑस्पिश ओकेजन इन द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल बाई प्लेइंग राग काफ़ी उन्होंने उस दिन के लिए एक अलग स्पेशल राग बनाया था राग माने गाने की जो शैली होती है उसका नाम था काफ़ी तो काफ़ी राग को बजा करके एक परंपरागत भारतीय स्टाइल में इस ऑस्पीस यानी मंगलकारी शुभकारी अवसर ओकेजन पर अपने जो इंडियन साथी थे मित्रों के लिए उन्होंने बधाई दी पहले वो भारतीय थे सहनाई को बजा करके लाल किले से उन्होंने ऐसा किया था छठवा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खान रिफ्यूज टू स्टार्ट स्कूल इन द यूएसए आपको पता है कि बिस्मिल्ला खान के एक स्टूडेंट थे अमेरिका में उन्होंने कहा कि आप को यहाँ पर एक शहनाई का स्कूल खुलवा देते हैं अमेरिका में आ जाओ आप परंतु तो बिस्मिल्ला खान ने मना कर दिया था क्योंकि वो भारत को गंगा को बनारस को बहुत प्यार करते थे वो उनका मन दुनिया में कहीं नहीं लगता था जहाँ भी जाते थे दुनिया में तो भारत की याद आती थी भारत में बॉम्बे में रहते थे तो उनको अपनी बनारस की गंगा की याद आती थी और बनारस में रहते थे तो गांव की याद आती थी यानी उनका मन हमेशा अपने देश के लिए ही था राष्ट्रभक्त थे तो वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट इज सेनाई स्कूल इन द यूएसए क्वेश्चन है कि अमेरिका में यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये अमेरिका की फुल फॉर्म होती है तो यूएसए में सेहनाई स्कूल स्टार्ट करने का रिफ्यूज मान मना करना बिस्मिल्ला खान ने क्यों मना कर दिया तो आंसर है बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अहनाई स्कूल इन द यू एस खान ने यूएसए में सेनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया बिकॉज क्योंकि देरबास नो गंगा देयर क्योंकि वहाँ पर गंगा नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने मित्र साथी से उससे बोला शिष्य से कि देखो तुम सब कुछ बनवा सकते हो मंदिर की डुप्लीकेसी भी करवा दोगे वहाँ पर परंतु तो गंगा नदी को कहाँ से लाओगे उसको वहाँ कैसे ले जाओगे और मेरा तो गंगा से प्रेम है तो वहाँ गंगा नहीं थी द तो गंगा कूडेंट ऑल्सो तो बी टेकन अप देयर और न गंगा वहाँ जा सकती थी उसको ले जाया जा सकता था वेन एवर ही वॉज इन दू एस एलवेज मिस्ड सी इंडिया जब कभी वो अमेरिका में होते थे तो हमेशा भारत को याद करते थे क्वेश्चन सेवन है लास्ट क्वेश्चन है फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंसिस इंस्टांसिस मैन उदाहरण दो उदाहरण कम से कम बताओ इन दिताब से विस टेल यू खान लव इंडिया एंड बनारस जो ये बताते हो कि बिस्मिल्ला खान भारत को और बनारस को प्यार करते थे ऐसे दो उदाहरण बताओ ठीक है तो उदाहरण है वेन ही टर्न डाउन टर्न डाउन माने uh, मना कर देना ही स्टूडेंट ऑफर टू स्टार्ट इ शहनाई स्कूल इन दू एस ए जब उन्होंने अपने स्टूडेंट का जो ऑफर था यूएसए में अमेरिका में स्कूल खोलने का सेनाई का वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया रिएक्ट कर दिया टर्न डाउन माने रिएक्ट करना एक तो वो तब लगा कि वो देश को कितना प्यार करते हैं द सेकेंड इंस्टांस इज वैन ही वॉज आस्कड वाई ही डिड नॉट शिफ्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीजन दूसरा उदाहरण ये है जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने क्यों पार्टीशन जब देश का विभाजन हुआ था उन्नीस सौ में तो उस पार्टीशन के समय पाकिस्तान जाना उनको उन्होंने पाकिस्तान, पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हुए तो ये बात दूसरी थी ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस उन्होंने कहा था कि वो कभी भी बनारस को नहीं छोड़ेंगे तो इन दो बातों से लगता है कि बिस्मिल्ला खान भारत को और बनारस को बहुत प्यार करते थे तो बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे ये वीडियो आपको लाइक इसको करना है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये थम इम्प्रेशन आप दबाएंगे ये वीडियो लाइक हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें एम पी इंग्लिश क्लासेज को आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ये मोनो आपको दिख जाएगा वहाँ पर सारे वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा बहुत है बहुत ही सरल है आपके वीडियो के नीचे देखो दिख रहा होगा सब्सक्राइब लाल से लिखा हुआ दिख रहा है इसको आप टच करें इसको टच करते ही ये लाल कलर का इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा आप देखिए यानी चैनल सब्सक्राइब हो गया बगल में घंटी देखेगी बेल आइकॉन ये देखिए इसको आप दबाएंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे इसमें तीन ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो है ऑल इसको आपको दबाना है इसको दबाते ही मेरे सारे वीडियो जैसे ही मैंने बनाया तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा आपको कहीं कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना कितना फायदेमंद है ये आपने देख लिया तो ये वीडियो आपने पूरा देखा हो वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए पता नहीं मैं कौन से सेकंड क्या आपको अच्छी बात बता दू वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू